अब देखिए हजरत हमजा अगर 4 साल बढ़े तो इसका मतलब यह है कि 4 साल तो या 3 साल विलादत यानी प्रेगनेंसी जो है वो पेट में नहीं ठहरती है, तो हजरत अब्दुल्ला के वो बेटे ही नहीं है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। सर ये अब इन्होंने अपने मुंह से मेरी बात साबित कर दी है जो इन्होंने माज़ल्लाह कह के कही है, क्योंकि इनके इमाम अबू हनीफा हनफी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने कहा है कि 2 साल तक प्रेगनेंसी मां के पेट में रह सकती है, क्योंकि वो उस नैरेटिव को मानते हैं जिसमें हमजा जो है वो 2 साल बड़े हैं मोहम्मद साहब से, और वो एग्री कर रहे हैं उस रवायत से जिस रिवायत में अब्दुल मुतलिब की और अब्दुल्ला की यानी कि बाप और बेटे दोनों की शादी एक ही दिन में हुई। तो ये किस किस्म के हनफी हैं जो कि इमाम अबू हनीफा के मजहब के ऊपर चलते हुए भी इमाम अबू हनीफा की बातों को नहीं मानते। तो चूंकि समीर साहब का माइक चला गया, हम यहां पे एक और मैं चीज दिखाने लगा हूं इमाम अबू हनीफा के रेफरेंस से। ठीक है, अच्छा, इमाम अबू हनीफा को मानने वाले एक बहुत बड़े साहब जिनका नाम है बुरहानुद्दीन हलबी। बुरहानुद्दीन हलबी को कम लोग जानते हैं, लेकिन मैं जरा आप लोगों के सामने एक विकी का आर्टिकल पहले रखने लगा हूं तो समझाने के लिए कि बुरहानुद्दीन हलबी कौन है। ठीक है जी, ये जनाब आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है बुरहानुद्दीन हलबी। ठीक है, बुरहानुद्दीन इब्राहिम इबन मोहम्मद इबन इब्राहिम अल हलबी, ठीक है, वॉज एन इस्लामिक ज्यूरिस्टिक। ठीक है, जो फिक के ऊपर बात करते हैं, इस्लामिक फिकह के ऊपर, ठीक है, जो कि 1407 में आए थे वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, ये इनकी जो हैंडबुक है वो हनफी इस्लामिक स्कूल के मुताबिक है। सर ये सारे लोग पढ़ रहे हैं, किस स्कूल के मुताबिक है? इमाम इब्राहिम अल हलबी। सर ये जरा पढ़ के मुझे बताइए सारे लोग, क्या ये हनफी स्कूल के फिकह के बड़े मुहद्दिस हैं, हाँ या ना? वन गिव मी वन। अगर आपको नजर आ रहा है कि बुरहानुद्दीन साहब हनफी फिका के बहुत बड़े ज्यूरिसप्रूडेंस के बंदे हैं, जरा सारे लोग वन दें अगर उन्हें नजर आ गया है कि बुरहानुद्दीन अल हलबी कौन है। फिका के ऊपर किताब लिखते हैं जो कि हनफी स्कूल ऑफ थॉट से है। करेक्ट हो गया सर जी? कोई शक? सॉरी माय बैड, मेरा नेट चला गया था, बट मैंने अभी आके पढ़ा और अब सही बोल रहे हैं सर। ओके, ये जनाब आपके सामने जनाब किसकी तफसीर है? अली बिन बुरहानुद्दीन अल हलबी। सर मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ? पढ़ा जा रहा है सब लोगों से? जी बिल्कुल, थोड़ा सा और जूम लेवल लेके आते हैं ताकि सबसे पढ़ा जाए। अली बिन बुरहानुद्दीन अल हलबी, सीरा अल हलबिया। सीरा यानी के लाइफ, सीरा ऑफ मोहम्मद होती है ना, उसी तरह उन्होंने भी एक सीरा लिखी है, उसका जुज अव्वल है, उसका पहला जुज है। ठीक हो गया सर? कोई शक किसी को भी नहीं? ओके, इसके अंदर हम देखते हैं, ये देखें ये क्या कह रहा है कि तमाम रवायत के मुताबिक वहुआ अन अब्दुल मुतलिब تزوج ہوا و عبداللہ فی مجلس واحد، یعنی کہ عبداللہ عبد المطلب نے شادی کی اور عبداللہ نے شادی کی فی ان مجلس واحد، ایک ہی مجلس میں یعنی کہ ایک ہی سٹنگ میں، یعنی کہ اسی دن جس وقت جس مجلس میں جس شادی کے منڈت میں جس مسجد کے اندر شادی ہوئی عبداللہ کی، اسی دن اسی مجلس میں عبداللہ کی شادی ہوئی۔ سر یہ کچھ غلط بول رہا ہوں میں؟ نہیں ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی لکھا ہے اور ایسا ہی ہوا بھی ہے۔ اوکے، یہ کہتے ہیں وکلام ابن محدث ان عبد المطلب خطاب حالہ بنت وحیب ام آمینہ فی مجلس خطابت عبداللہ لی آمینہ، کہ انہوں نے، یار میں ایسا کرتا ہوں نا کہ
इन लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि मेरी हाँ अरबी खराब ट्रांसलेशन में है, डाल दें, अरबी अरबी खराब है, हम ट्रांसलेशन में ट्रांसलेशन डाल में दें डालते हैं। दिस इज द वर्ड ऑफ इबन अल मुत्तहिदा अल मुहद्दिस बेसिकली, मुहद्दिस। ठीक है, मुहद्दिस या मुहद्दिस लिखा हुआ यहाँ पे, मुहद्दिस दैट अब्द अल मुतलिब, सो अब्दुल मुतलिब बेसिकली बथरोद हाला बिनते वहाब आमिनाज अंकल इन द असेंबली ऑफ अब्दुल्ला सरमन टू आमिना एंड दे मैरिड एंड हैड द फर्स्ट चाइल्ड एंड दे हैड टू चिल्ड्रन देन आई सॉ इन द लॉयंस ऑफ द फॉरेस्टर दैट एग्री विद हिम व्हिच इज दैट अब्दुल अब्दुल मुतलिब मैरिड ही एंड अब्दुल्ला इन वन गैदरिंग, एक ही दिन में उनकी शादी हुई, एक ही गैदरिंग में। अच्छा सर कोई ये भी शक? कह रहे हैं यहाँ पे, ये भी यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो अहाला बिनते वहाब थी ये एक्चुअली अमीना की चचेरी बहन थी, यानी कि दोनों जी बहनें थी जी आपस में, कजन्स एक थी, को बाप कजन्स ने थी ब्याह लिया और एक को बेटे ने ब्याह लिया। सर, वाह कजन्स थी ना, कजन्स थी, बेसिकली कजन्स बिल्कुल थी, ठीक बिल्कुल। है। असीरा अल हलबिया के अंदर, सॉरी हम्बलिया कह दिया मैंने, हलबिया के अंदर जो कि हनफी स्कूल ऑफ थॉट के ज्यूरिसप्रूडेंस है, अच्छा लोगों को कोई डाउट ना रहे, अगर लोग सर्च करें तो इसको आम भाषा में सीरत हलबिया कहते हैं। जी सीरा हलबिया कहते हैं इसको। सो अब मुफ्ती साहब ने जो ये पहला ब्लेम रखा था कि मैं मानता हूं कि हमजा बड़ा है, मैं मानता हूं कि हमजा बड़ा है, ओके, तो अगर मोहम्मद साहब की शादी, सॉरी अब्दुल्ला यानी कि मोहम्मद साहब के वालिद की शादी और मोहम्मद साहब के दादा की शादी एक ही दिन में हुई है, एक ही दिन में हुई है, एक ही मजलिस में हुई है, तो जितना भी आप हमजा को बड़ा कर लो, हमजा को जितना भी बड़ा कर लो उतना ही आपको आमना जी के हमल को लंबा करना पड़ेगा। समीर साहब समझ रहे हैं आप यहां पे? अब अगर एग्जैक्टली आप, क्योंकि कुछ ही टाइम के बाद मौत हो गई ना अब्दुल्ला की वो इन्होंने बता दिया हमें स्ट्रीम के शुरू में ही, तो जितना ये बड़ा करेंगे हमजा को उतना ही ज्यादा लंबा हमल होगा, अगर वो अब्दुल्ला की बेटे साबित करेंगे तो उतना ही लंबा इनको हमल साबित करना पड़ेगा। बेशक। अब देखो फंस गए बेचारे और ये मुझे कह रहे थे कि मैं तो जवाब ही नहीं दे सकूंगा। अब मैं वो जवाब, वो जो वो चैलेंज है वो भी मैं आखिर में तोड़ूंगा, डोंट वरी, हम पूरी स्ट्रीम देखेंगे और तोड़ेंगे। मोमिनों से गुजारिश है कि अगर वो जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। हम यहां पे देखते हैं कि पांचवे बाप के बाद ये नोवा जरा पढ़िएगा सर, ये क्या क्या कह रहा है नोवा, ये पढ़िएगा सर हिंदी में। ये कह रहा है जी गर्भावस्था की अधिकतम अवधि की कोई सीमा नहीं है, ये अबू उबैद और शौकानी का कथन है और यही समकालीन विद्वानों संकीति इब्ने बाज और उसैमनी का कथन है। यानी कि ये कह रहा है कि जो प्रेगनेंसी है उसकी कोई कोई भी सीमा नहीं, यानी कि उसकी कोई हद नहीं है, वो कितनी भी लंबी हो सकती है, और ये अबू उबैद शौकानी संकीति इब्ने बाज और उसैमनी इन सब का कौल है बेशक जी। ये कहता है 7 वर्ष यानी कि 7 साल यही रबीयतुर राय का कथन है यानी उनका कॉल है, और जोहरी की मालिक से एक दूसरी रिवायत है। अच्छा, जहरी की रवायत यह है कि कितने वर्ष सर? 7 साल 7 साल। अच्छा, ये सारे के सारे जो हमल की लंबी लंबी तादादें हैं, मुद्दतें हैं, ये क्यों है? ये इसी वजह से हैं कि उन्होंने जस्टिफाई करना है किसको? मोहम्मद साहब की पैदाइश को। और मोहम्मद साहब की पैदाइश के ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, 4 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष, और जिसको ये 10 वर्ष ले रहे हैं, ये इंतहाई दाईफ रिवायत है। अभी मैं आपको प्रूव करता हूं, डोंट वरी, डोंट वरी। ये उसी के लिए, एक्सक्यूज मी, उसी वजह से हम ये देखते हैं कि ये है। लेकिन हमारे पास जो मेजर स्कॉलर्स हैं, जो मेजर स्कूल ऑफ थॉट हैं, जिनके ऊपर इस्लाम बना हुआ है, ठीक है, जिनके ऊपर इस्लाम बैठा था, चला था, वो है नंबर 3, सर दोबारा पढ़ दें, 2 साल हनफिया, और नंबर 5, 4 साल सोफिया हम्बली मलिकिया इनके सो नजदीक। शाफी, नॉट सोफिया, शाफी, हाँ हम्बली सर शाफिया हम्बली और मलिकी इनके और मालिक, ठीक हो नजदीक गया जी? 4 साल। 4 साल, ये दो हमारे प्रीडोमिनेंट हैं। अच्छा, अब हमने हनफी स्कूल ऑफ थॉट में देख लिया, ठीक है, कि इमाम अबू हनीफा को मानने वाले और तफसीर लिखने वाले और फिकह लिखने वाले जिन्होंने सीरा मोहम्मद लिखी है यानी लाइफ ऑफ मोहम्मद साहब लिखी है, ठीक है,
उनके मुताबिक क्या सीन है? उनके मुताबिक इन दोनों की शादी एक ही दिन में हुई थी, ये हमने पढ़ लिया। अब हमारे मुफ्ती साहब मजीद क्या कहते हैं? तमाम तारीखी रिवायात को छोड़कर कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब मुबारक साबित है, सही बुखारी की रिवायत है, सही मुस्लिम की रिवायत है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने का कहिए, कोई भी जगह तय कीजिए, दुनिया में किसी भी खित्ता को तय कीजिए, जहां पर आप चाहते हो आप फिजिकल मौजूद हो। अच्छा, सही बुखारी और सही मुस्लिम की जो रवायात हैं उनके बारे में इनका क्या अकीदा है हमारे मौलाना मुफ्ती फजल हमदर्द का? ये मानते ही नहीं बुखारी को। मैं नहीं मानता, तो ये आज इस वक्त बुखारी को क्यों बीच में लेके आ रहे हैं? तो ये यही चीज तो इन्होंने कल कल परसों की स्ट्रीम में की है ना। वो एक नॉन मुस्लिम को बोला, जब उसने बोला मेरे पास बड़े सारे हवाले कहां से दूं, इन्होंने बोला बुखारी से दो। जब मानते ही नहीं आप उसको, फिर बुखारी से क्यों मांगते हो आप हवाले? एग्जैक्टली ये देखे सर, ये फजल हमदर्द साहब बुखारी के बारे में क्या कहते हैं? सर बुखारी को तो ये मानते नहीं है, बुखारी को कोट क्यों कर रहे हैं? अब सर ये वो तो यही बता सकते हैं, मेरे हिसाब से तो ये अलतकैया कर रहे हैं। ओके चले, अलतकैया नहीं कर रहे सर, ये इल्मुल रिजाल से काम कर ले रहे हैं। तकैया इनकी लाइफ के ऊपर कोई थ्रेट नहीं है, इसलिए तकैया नहीं है इस वक्त कर रहे हैं, ये अदबुल दज्जाल से काम ले रहे हैं। एक अदब है इस्लामिक साइंसेस के अंदर, जब कभी कहेंगे मैं आपकी आपके चैनल के ऊपर आके अदबुल दज्जाल को एक्सप्लेन करूंगा, जो कि इस्लामिक साइंसेस के अंदर एक अदब है कि जिस वक्त आप डिबेट करें तो डिबेट का पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ सच्चाई का साथ देना है। डिबेट का मतलब यह है कि आपने अपने आर्ग्यूमेंट्स को जीतना है, और उस आर्ग्यूमेंट को जीतने के लिए आप किसी भी किस्म का हीला, बहाना और झूठ का सहारा ले सकते हैं। इसको अदबुल दज्जाल कहा जाता है और हयाल कहा जाता है। हयाल एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर, हयाल कम्स फ्रॉम द वर्ड हीला, उसके अंदर एक इल्मुल दज्जाल है। मैंने अपने इंग्लिश चैनल के ऊपर भी चलाया हुआ है, उर्दू चैनल के ऊपर भी चलाया हुआ है, और जब कभी आप कहेंगे मैं आपके चैनल पे भी चलाऊंगा, और मैं दिखाऊंगा कि तकैया इज ए सेपरेट थिंग। तकैया सिर्फ उस वक्त है जिस वक्त आपकी जान के ऊपर या माल के ऊपर कोई खदशा है, उस टाइम पर आप मोहम्मद साहब को गाली भी निकाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सब जायज है। हयाल और अदबुल दज्जाल ये इस्तेमाल किया जाता है जब आप इंटर फेथ डिबेट के अंदर बैठे हुए हैं। सर राइट नाउ ये इंटर फेथ डिबेट के अंदर बात कर आया है, एक सुपर चैट आया, उसको ओके मुझे लेने दे, मुझे पता नहीं लगा, रुक जाइए जरा। जी सर ये हिंदी में आया, सवाल ले लें, मेरा सवाल ले लें, फिर मैं इसको पढ़ता हूँ। मेरा छोटा सा सवाल ये है कि अगर ये क्या सारे उलमाए कराम को उलूम के साथ पढ़ाया जाता है जो आप बता रहे हैं? सर मुफ्ती हैं ये, इनको तो पता है ना मुफ्ती हैं भाई ये। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि पढ़ाया जाता है ना मदरसों में ये इनको? सर बेशक। तो सर आप ये बताइए, अगर इनको ये पढ़ाया जाता है तो क्या कहीं ना कहीं ये मदरसे और ये इस्लाम इनको झूठ बोलने की तालीम नहीं दे रहा है? सर ये बिल्कुल जरूरी है। अच्छा जी आगे चलते हैं सर, ये हमने देख लिया, अब हम आगे चलें, इनका पॉइंट क्या है? ठीक है, अब पॉइंट देख लें, पॉइंट ये क्या देना चाह रहे हैं? बाय द वे लीनियज मोहम्मद साहब की बुखारी में भी नहीं है, ठीक है, मैंने नहीं देखी लीनियज, लीनियज आपको सीराज में ही मिलेगी, ठीक है। और इसके अंदर इन्होंने लीनियज दिखाने की कोशिश की है, उसके ऊपर मैं किसी और दिन एक वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने लोग हैं जो कि उस लीनेज के ऊपर एतराज उठा रहे हैं कि वो इस्माइल से आई है कि नहीं आई है, ठीक है। मोहम्मद साहब जो कि क्लेम करते हैं कि वो इस्माइल की नस्ल में से हैं, दुनिया का कोई इस्लामिक स्कॉलर इस बात को मानने से राजी नहीं है कि वो ट्रेस कर सके मोहम्मद साहब को इस्माइल से, कोई भी नहीं करता, कोई भी कहते सब है, एविडेंशियली प्रूफ कोई नहीं कर सकता, नन जीरो नाडा। दोबारा कहता हूं,
क्लेम सब करते हैं, कहते सब हैं। अब मेरी इस वीडियो के इस पार्ट को इसने क्या करना है, टुकड़े में उठाना है, और जो आखिरी पार्ट है ना वो अपनी वीडियो पे चला के जो है ना इसने एक दो चीजें दिखा देनी है। जब ये दिखा देगा साला, तो उसके बाद मैं वीडियो वो बनाऊंगा दिखाने के लिए कि मेरी स्टेटमेंट क्या थी। मेरी स्टेटमेंट ये है, क्लेम सब करते हैं, प्रूफ कोई नहीं कर सकता। क्लेम करने में और प्रूफ करने में फर्क होता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लेम एंड प्रूफ। क्लेम करने में और प्रूफ करने में दो डिफरेंट चीजें होती हैं, और वो मैं तब बनाऊंगा जब होगा।